राह संघर्ष की जो चलता है संसार को वही बदलता है। जिसने रातों की जंग जीती है सूर्य बन के वही निकलता है। आज मेरी कहानी का शीर्षक उन छात्रों के लिए मोटिवेशन है जो कि अपनी आईएएस पीसीएस और बड़े सपनों आईएएस पीसीएस बनने की तैयारियां कर रहे हैं, जो अपने आप को काबिलियत की उस मुकाम पर ले जाने की कोशिश और उस मुकाम के ऊपर ले जाने का सपना देख चुके हैं। आज उन्हीं के लिए मोटिवेशन की ये कहानी, तो मैं चाहता हूं आप मेरी इस कहानी को सुने। और नाजिम बेग, आज आपको एक ऐसी कहानी से जोड़ने जा रहा हूं जो मेरे मित्र हैं पीसीएस अधिकारी हैं, उन्होंने मुझको बताई थी। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने अपने संघर्ष की कहानी बताई थी, किस तरीके से वो यहां तक पहुंचे। क्योंकि हमें सब कुछ बड़ा आसान लगता है जब हम किसी अधिकारी को देखते हैं, किसी बड़े नेता को देखते हैं कि ऐसे ही पहुंच गए और ऐसे ही पहुंच जाते होंगे। ऐसा नहीं होता, संघर्ष सभी के जीवन में होता है, चाहे वो राजनीतिक से जुड़ा हो या वह किसी सिविल सर्विस से जुड़ा हो, सब में संघर्ष करना पड़ता है। ऐसी है कि संघर्ष की कहानी मैं बताता चलूं। मेरे इलाहाबाद के दोस्त हैं और वो अपनी तैयारियां कर रहे थे, पढ़ने में होशियार थे और कामयाबी भी उन पढ़ाई की ओर उनको ले जा रही थी और कुछ उनमें मन भी था। क्योंकि हम देखते हैं कि जब हमारे परिवार में एक बेटा या बेटी ऐसी होती है जो पढ़ने में होशियार होती है, परिवार का भी ये जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको आगे की ओर बढ़ाए, उसकी ओर उसको पढ़ने में प्रेरित करे। ये परिवार की भी एक सोच रहती है। ऐसे ही इस कहानी में भी है। मेरे गुलाब सिंह उनका नाम है, इलाहाबाद से बिलोंग करते थे, पढ़ने में बड़े होशियार थे, प्रारंभिक पढ़ाई गांव में रहकर की, उसके बाद शहर में निकले। उसके बाद मन में सोचा कि एक अब गांव में प्रारंभिक पढ़ाई गांव से की, उसके बाद शहर में निकले, उसके बाद पढ़ाई को प्रारंभ किया आगे की ओर ले जाने के लिए। गांव में कहावत है, बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि हमारा बेटा पटवारी बनियो। ये आपने भी सुना होगा, हम भी सुनते रहते हैं पूर्व के समय में, क्योंकि पटवारी जो पद होता है बड़ा उस समय, क्योंकि जब वो ज्यादातर जो जुड़ाव होता है गांव लेवल की जो लोगों से वो पटवारी का ही होता है। वो पहुंचता है, चरपाई बिछती है, कुर्सी बिछती है और इर्द गिर्द उसके लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि उसको समस्याएं बताना शुरू कर देते हैं। इसलिए ज्यादातर वहां बुजुर्ग भी जो दुआ देते हैं वो यही देते हैं कि हमारा बेटा पटवारी बनियो। ये कहावत भी है, ऐसे ही होता है, वो पटवारी की उसको दुआएं मिलती रहती हैं। संघर्ष करता है, पढ़ाई भी करता है, अचानक वो पटवारी भी बन जाता है, लेखपाल भी बन जाता है। अब शुरुआत होती है क्योंकि उसका मन नहीं कर रहा, वो अपने जो सीनियर अधिकारी होते हैं वो उनको देख रहा था कि पटवारी नहीं बनना, कुछ और ही बनना, उसके मन में कुछ और था। परिवार में बूढ़ी माँ थी, दो भाई थे, एक बूढ़ी माँ के अलावा क्योंकि एक और महिला की जरूरत थी जिसके लिए कि शादी करना बहुत जरूरी था। लेकिन हमारे जो मित्र हैं गुलाब सिंह, जिन्होंने हमें कहानी बताई, उन्होंने कहा नहीं मुझको तो आगे पढ़ना है, आप छोटे भाई की शादी कर दीजिए। सब कुछ सही होने के बाद छोटे भाई की शादी कर दी गई। अब शुरुआत होती है कि किस तरीके से, क्योंकि गुलाब सिंह सोच रहे थे कि मुझको बड़ा अधिकारी बनना है, उसके लिए बड़ी मेहनत और बड़ी पढ़ाई करनी होगी, इलाहाबाद चले जाते हैं। इलाहाबाद जाने के बाद वो पढ़ाई के सिलसिले को शुरू करते हैं, पीसीएस के लिए तैयारियां शुरू करते हैं। उनको एक रूम ढूंढ रहे थे, रूम की तलाश कर रहे थे, पहुंचे तो किसी ने बताया कि एक जो सहपाठी रहते हैं जो तैयारियां कर रहे हैं वो भी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसको तुम्हें भी फायदा मिलेगा, उसके साथ आप रहने लगो। ऐसे ही हुआ क्योंकि उसी के साथ रहने लगते हैं और यहां से शुरुआत होती है एक ऐसी कहानी की। क्योंकि मैं बताता चलूं, जब वो वहां, क्योंकि जब वो दोनों उस रूम में जाते हैं और कहते हैं कि मैं आपके साथ रहूंगा, वो कहते हैं ठीक है आप भी रहिए, और किराया जो दोनों में बांट दिया जाता है कि आधा आप आधा हम रहेंगे। गुलाब सिंह बता रहे हैं जो पीसीएस की तैयारी कर रहे थे, बिहार के थे, वसीम अहमद उनका नाम था, वसीम भी तैयारी कर रहे थे। गुलाब सिंह ने
कहा कि जैसे सहपाठी होते हैं, चाहते हैं एक दूसरे से बात करते हैं, मैंने भी उनसे बात करनी चाहिए, लेकिन उनकी और उनकी बात एक साल तक नहीं हुई। एक रूम में 10x14 का रूम था, उसमें दोनों एक साथ रहते थे, एक साथ खाना खाया करते थे, बात कर, लेकिन कभी एक ऐसी नहीं रहा जो एक फ्रेंडशिप बन सके या एक दोस्ती बन सके या एक दूसरे की बात कह सके, ऐसा नहीं हुआ। वो आते थे, नहाए धोया, फ्रेश हुआ, सुबह हुआ, पढ़ने बैठ गए। ऐसे ही बिहार के वसीम भी इसी तरीके से करते थे। बता रहे थे गुलाब सिंह के खान पान की, जब मैं उनको देखा करता था तो दाल चावल खाया करते थे, और जब वो गांव से आया करते थे तो चावल और दाल गांव से ही लेकर आया करते थे, बस रूटीन में वही खाना पीना उनका हुआ करता था। तो मुझे भी करता था यार, दाल चावल खाने वाला ये क्या करेगा। लेकिन वसीम से एक साल बाद बात हुई उनकी, जब एक रिजल्ट आया वसीम का और वो फाइनली पीसीएस पास कर चुके थे, उसके बाद उन्होंने गुलाब सिंह से बात कही, और जब गुलाब सिंह से उन्होंने उनका नाम ला लेकर बात करी तो बड़े गचंभे में पड़ गए कि आज वसीम मुझसे कैसे बोल रहे हैं। दोनों में बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर हमें आगे जाना है तो हमें सब कुछ त्यागना होगा, जो हम रिलेशन और जो हमारी शादी के सेलिब्रेशन है और जहां हम इवेंट्सों में जाते हैं, इनको हमें त्यागना होगा, क्योंकि ये चीज हमको तब और आसानी से मिल जाएगी जब हम कामयाब हो जाएंगे। अगर हम इन चीजों के पीछे भागेंगे तो हमें कभी कामयाबी नहीं मिलेगी। यहीं से गुलाब सिंह ने भी तैयारियां की, सोच उनकी जो एक मोटिवेशन मिला था, उसके बाद गुलाब सिंह ने भी पीसीएस की तैयारी की और पास भी हो गए। तो मेरे दोस्तों, कहने का और मेरा मतलब केवल इतना है कि संघर्ष की कहानी पढ़ना, जब हम पढ़ाई करते हैं तो बड़े संघर्ष के साथ करना होता है। जब एक समय होता है हम रात में पढ़ते हैं और समय आता है कि हम किताब को बंद कर दें, मन नहीं लग रहा हमारा, ऐसा समय जरूर आता है जो पढ़ते हैं बच्चे, उनको मैं एक बार पुनः भी कहता हूं कि हमको किताब नहीं बंद करनी, हमको उस किताब का पेज बदलना है। अगर हमने किताब बंद कर दी, फिर हमने अपना फ्यूचर बंद कर दिया, हमने अपनी सोच को, अपने सपनों को बंद कर दिया। लेकिन हमें किताब बंद नहीं करनी, हमें उस पेज को बदलना है। उस पेज को निरंतर बदलिए तो मैं समझता हूं, और मैं ये विश्वास भी दिलाता हूं कि आपकी किस्मत भी बदलेगी। आज गुलाब सिंह और दोनों पीसीएस हो चुके हैं, क्योंकि कड़ी मेहनत के बावजूद उनको ये संघर्ष मिला है, संघर्ष के साथ अचीवमेंट मिला था। तो दोस्तों, मेरी कहानी का मतलब केवल इतना ही था कि हर कामयाबी के पीछे संघर्ष छिपा है, और संघर्ष से ही हम उस सफलता को प्राप्त कर सकते हैं जिसका हम सपना देख रहे हैं, हमारा परिवार सपना देख रहा है। तो चलिए, मेरे साथ कैसी लगी कहानी, शायद आप इस कहानी के बारे में मुझे जरूर बताइए, क्योंकि मेरे मित्र भी इस कहानी को देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि ऐसी कहानियां कुछ और हों तो मुझसे शेयर जरूर करें, जिससे कि मैं आपकी कहानी को भी और लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकूं। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लिंक को शेयर जरूर करें, जिससे कि ऐसी ही कहानियों को मैं आपसे रूबरू कराता हूं। नमस्कार एंड खुदा।